लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वेरी फर्स्ट हम सब काफ़ी फ्रेंड्स ने बॉर्डर पर जाने का प्लान बनाया। सब लड़कों ने अपने अपने बाइक्स रेडी कर ली और हम सफ़र के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ सीन कैप्चर करने थे। सारे दोस्त एक दूसरे की तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हो गए, लेकिन अचानक से ऐसे हुआ कि उधर मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया और 5 से 10 मिनट के बाद वहाँ बहुत ही तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई। ये चेक कर लीजिए बारिश कितनी तेज़ है। हमें बना दी है इन्होंने। आप सूखे सूखे लग रहे हो मुझे। बारिश में जहाँ पे हम लोग खड़े थे, सामने घर से एक छोटा सा एक बच्चा आया और हमें अपने साथ अपने घर ले गया और वहाँ पे हमारी खूब खातर तवाजो की उसने। जैसे ही बारिश ख़त्म हुई तो उसके साथ ही आसमान पर एक बहुत ही खूबसूरत रेनबो बन गई। ये जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं LOC पर अभी मैंगो खाने के लिए। वो राइट इन फ्रंट जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है वो इंडिया की पहाड़ी है। चलो भाई यहाँ पे लेके आए क्योंकि इनके मैंगो ये यहाँ से माइग्रेट होकर दिन चले गए। कब्जा कब्जा ग्रुप खरीद लो यहाँ से देसी चाय में मैंगो खाते हुए। ए
ये पूरे शैला ना खत्म हो गए कितने से नहीं पलंग आ ये कितना पे आ रही ये थला बोल जा पे आ इधर तो बैठ गए नहीं इधर ट्रांसफार्मर ना रख दिया फिर ऊपर पोत गाने लग गया कल बाग से किधर पासे यार चल जा ये अंकल बता रहे हैं हमें कि यहां पे गोला आगे पड़ा था जिसकी वजह से ये टूट गया क्या कहते हैं गोला गोला जेड़ा है पीछे गोले पे अच्छा अच्छा गोले पहने नहीं इधर था नहीं इधर गया पीछे डेली पहने नहीं रहे गोले पूरे छल लगे मकान सारे जख्मी हो गए यही छल सराह हो आएगा ये भी सीन आएगा ये वो बच्चा है जो बारिश में हमें अपने घर लेके गया था।